नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। फिल्म ए दिल है मुश्किल की रिलीज का रास्ता साफ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे और करण जौहर के बीच कराई सुलह। राज ठाकरे ने मंजूर किया करण जौहर का प्रस्ताव। अब फिल्म से पहले शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। सेना के फंड में भी आर्थिक मदद करेंगे करण। बीएसएफ के मुंह तोड़ जवाब के बाद भी बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। जम्मू के आरसपुरा और कठुआ में तोड़ा सीज फायर। कल हीरानगर में बीएसएफ की फायरिंग में मारे गए थे 7 पाक रेंजर्स और एक आतंकवादी। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से कथित पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। पाकिस्तान को सुरक्षा बलों की जानकारी देने का है आरोप। संदिग्ध के पास से 2 मोबाइल फोन, पाकिस्तानी सिम कार्ड और मैप बरामद। चाचा भतीजे के बीच सुलह कराने की कोशिशें तेज। बेनी प्रसाद वर्मा, नरेश अग्रवाल सहित 4 बड़े नेताओं ने की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात। आज गुजरात दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वडोदरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। विकलांग बच्चों के कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रिसाइकिल प्लांट में भीषण आग। आसमान छूती नजर आई आग की लपटें। और कबड्डी विश्व कप 2016 के फाइनल में पहुंचा भारत। भारतीय टीम ने थाईलैंड को 73-20 के अंतर से हराया। आज ईरान से होगा फाइनल मुकाबला। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।